हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि इसरो सार एंड इसरो वीएसएससी में टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, और स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी की डिग्री कंप्यूटर साइंस में कर रखी है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समय समय पर स्टूडेंट इसरो के अलग अलग ब्रांचेज में टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे वैकेंसीज आती रहती है। स्टूडेंट, इसका अगर सिलेबस हम देखें तो ऑफिशियल कोई भी सिलेबस नहीं दिया जाता है, और हमें यह कहा जाता है कि आपने अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के दौरान, आपने अपने बीएससी के दौरान जिन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है उन्हीं सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। ऐसे में स्टूडेंट हमारे सामने कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा जाए। बिल्कुल, ये तो हमें पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन अधिक इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर जो नहीं पढ़ना है हम उसे पढ़ लेंगे तो फिर हमारा समय वहां पे ऑब्वियसली क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो आज स्टूडेंट मैंने आपके लिए एक सिलेबस तैयार किया है। ये सिलेबस स्टूडेंट जो इसरो में साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है, मेरे द्वारा ये सिलेबस तैयार नहीं किया गया है, इसका क्रेडिट उनको जाता है। तो स्टूडेंट ये सिलेबस जो है आज का, ये सिलेबस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें स्टूडेंट जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनसे पढ़ना है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि किसी किसी बोर्ड में, जैसे कि अगर हम मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड की बात करें उसमें वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना रहता हो, उससे भी स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सारे सब्जेक्ट को और उनके टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं, और अगर आप ये सिलेबस को फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट ये गारंटी है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएंगे। इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का टोटल 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल है, और उन सभी का जो लिंक है पीडीएफ का वो स्टूडेंट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप स्टूडेंट वहां से उन सारे पीडीएफ को जरूर से डाउनलोड कर लें। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सर मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। पहले मैथमेटिक्स आया, उसके बाद कंप्यूटर साइंस आया। पहले के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे वो मैथमेटिशियन थे। आपने अगर पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन तो आपको ये सारी बातें पता होगी। तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स से भी स्टूडेंट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। जो टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम होता है स्टूडेंट, उसका जो पैटर्न है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझा रखा है, आपको आई बटन पे उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। स्टूडेंट टोटल 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसी किसी सेंटर में 60 क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे, लेकिन अब जनरली हर टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम में 80 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर का अवार्ड दिया जाता है, और गलत आंसर के लिए 0.33 मार्क्स काट लिया जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट मैट्राइसेस, ट्रिगोनोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ये सारे टॉपिक्स को स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, अब किस लेवल तक पढ़ना है, जैसे अगर हम कैलकुलस नहीं है, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें स्टूडेंट, तो ये किस लेवल तक पढ़ना है, इसके लिए स्टूडेंट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा सलाह आपको कोई नहीं दे सकता है। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये खुद आइडिया लग जाएगा कि हमें मैट्राइसेस, ट्रिगोनोमेट्री किस लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर से एक्सेस करें। मैथमेटिक्स स्टूडेंट सारे जितने भी ब्रांच वाले हैं सारे ब्रांच को पढ़ना होता है, आइदर आप कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी ब्रांच से हो। उसके बाद स्टूडेंट आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट होता है। कंप्यूटर साइंस वालों के सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आप लोगों ने अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के दौरान, अपने बीएससी के दौरान जरूर पढ़ा होगा। इसमें स्टूडेंट जो सारे टॉपिक्स लिखे गए आपको यहाँ पे देख लेना है, लाइक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर हो गया, मशीन इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम्स होते हैं, बेसिक जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है लाइक जो CPU होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे डेटा जो है वो मेमोरी से रीड होता है, कैसे डेटा मेमोरी में राइट होता है, ये सब कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी के बारे में, पाइपलाइनिंग से स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने DRDO सेप्टम अटेम्प्ट कर रखा है या ऐसे कैंडिडेट्स जो DRDO में एज अ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट B की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट DRDO के CBT2 को
इसरो के एग्जाम से बिल्कुल भी कंपैरिजन ना करें। इसरो के एग्जाम के सामने डीआरडीओ के सीबीटी 2 पेपर की कोई लेवल नहीं है, ठीक है। डीआरडीओ का जो सीबीटी 2 का पेपर होता है वो स्टूडेंट काफी इजी होता है एज कंपेयर्ड टू इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर। इसरो में केवल एक ही एग्जाम होता है, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होता है। इसकी पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में दे रखी है, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसरो का जो पेपर का लेवल है स्टूडेंट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू आप चेक कीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सारी चीजें स्ट्रांग हमारी होनी चाहिए तभी हम इसरो में जा सकते हैं। डीआरडीओ में हालांकि ना ही स्किल टेस्ट होता है और ना ही इंटरव्यू होता है, तो आपने एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लिया आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन इसरो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कंप्यूटर फंक्शंस हो गए, एक्सटर्नल मेमोरी, प्रोसेसर स्ट्रक्चर एंड सीयू का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पढ़ना होता है। तीसरा जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट वो प्रोग्रामिंग का। अब प्रोग्रामिंग में हम क्या पढ़े, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर वही बात पीवाईक्यू से रेफर लेंगे भाई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा स्टूडेंट कि मैक्सिमम क्वेश्चन सी लैंग्वेज एंड जावा से पूछे गए हैं, तो आपका जो प्रोग्रामिंग है वो सी में और जावा में स्टूडेंट क्लियर होना चाहिए। C++ से भी स्टूडेंट अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट लाइक क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया एंड इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। ये चारों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग स्टूडेंट आप किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, उसमें कम से कम अगर पाइथन को साइड कर दें तो C++ एंड जावा पढ़ना ही होता है। पाइथन से तो मुझे क्वेश्चन अभी तक कहीं पे दिखा नहीं है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास है, और लगभग नहीं ही पूछा जाता है। तो C++ जावा अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग करके जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो आप बिल्कुल सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स। ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, फाइल्स का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक हमारे पास स्टैक है, लिंक लिस्ट है, क्यू है, ट्री है, ग्राफ है, इन सभी के बारे में स्टूडेंट्स आपको पढ़ना होता है। साथ में जो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स है, अलग अलग सर्चिंग एल्गोरिदम्स है, उन सभी की कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ये स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चंस आपसे आते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। अब मे बी कई सारे यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट नहीं होता होगा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के दौरान, बीएससी में पढ़ना होता है या कहीं कहीं बीएससी में भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट ये भी एक तरीके से क्या होता है ना, देखिए होता क्या है कि जो डिप्लोमा के बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, लेकिन आगे चल के अगर आप फर्दर बीटेक में पढ़ते हैं तो स्टूडेंट ये सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर कम्प्लीटली अलग है और एल्गोरिदम या डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम ये पूरी तरीके से अलग हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट हमें एल्गोरिदम के कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में लाइक अगर हमें कोई छोटा सा एल्गोरिदम दिया गया है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, या अगर कोई हमसे पूछ दिया जाए, मान लिया जाए कि बबल सॉर्ट है, बबल सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाते हैं तो वो आपको मालूम होना चाहिए। ब्रूट फोर्स टेक्निक स्टूडेंट, एल्गोरिदम डिजाइन की टेक्निक, डिवाइड एंड कंक्योर मेथड क्या होता है एल्गोरिदम में, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीडी मेथड, अब यहाँ देखिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग और बैक ट्रैकिंग से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं, पीवाईक्यू से आप यहाँ पे रेफर ले सकते हैं। स्टूडेंट ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लें, इस सिलेबस को अपने पास सुरक्षित रख लें और इस सिलेबस को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रिंसिपल होता है उसको स्टूडेंट आपको यहाँ पे फॉलो करना है। फर्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे BNF हो गया, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, अलग अलग टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं, लाइक आपका कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया, इटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर, जंप कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये सभी आपको पढ़ना होता है। आगे स्टूडेंट हम अगर बात करें तो स्कोप क्या क्या होता है, एक्सटेंट यहाँ पे आपको पढ़ना है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है, कंकरेंसी का कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है ये आपको आना चाहिए, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज DBMS, जो कि हम लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। DBMS में स्टूडेंट आपको डेटाबेस सिस्टम के बारे में, डेटाबेस डिजाइन के बारे में और साथ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं SQL से।
सीक्वल से कम 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एक बार। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा है टेक्निकल असिस्टेंट का, 2 से 3 क्वेश्चन हर बारी पूछे गए हैं सीक्वल के क्वेरी से, ठीक है। तो आपको सीक्वल का बेसिक क्वेरी आना चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन एंड ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है स्टूडेंट OS, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट VVI कॉन्सेप्ट। यहां से स्टूडेंट अगर आपने प्रोसेस मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक पढ़ के आप लोग गए हैं तो आपका 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनने वाला है केवल ये 2 कॉन्सेप्ट से, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक। यहां से हर एक बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हो गए, आपका सिंक्रोनाइजेशन हो गया, डेडलॉक का कॉन्सेप्ट हो गया, सीमाफोर हो गया, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लाइक आपको इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पूछ दिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप PYQs देखिएगा तो, और PYQs को एनालिसिस वीडियो बहुत ही जल्द स्टूडेंट हमारे एडियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी, और समय समय पे आपको इसरो टेक्निकल असिस्टेंट से रिलेटेड और जैसे ही DRDO का सेप्टम का नोटिफिकेशन आएगा स्टूडेंट उससे रिलेटेड आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट। उसके बाद आपको पढ़ना है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फाइल सिस्टम के बारे में, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए ये आपको मे बी नहीं पढ़ना होगा आपके कोर्स के दौरान, लेकिन जो स्टूडेंट इसरो में सिस्टम्स यूज होते हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स आपको ये पहले से पता होगा स्टूडेंट कि लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक खुद का वर्जन बना सकते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने गए होंगे, वहां पे जो सिस्टम्स में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं वो लिनक्स का ही कोई ना कोई वर्जन होते हैं, लिनक्स को ही कस्टमाइज किया गया होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको लिनक्स के जो बेसिक बेसिक कमांड्स होते हैं, जो बेसिक फंक्शनैलिटीज होते हैं, उसके बारे में आपको आना चाहिए, और इससे भी आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है ना, क्या होता है भाई, आप कैसे फाइल एंड डायरेक्टरीज के साथ वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स, फाइल की परमिशन, फाइल की यूटिलिटीज, वी एडिटर, एक्सप्रेशन एंड सर्च पैटर्न, लिनक्स के एनवायरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड सेल प्रोग्रामिंग के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप सभी ने पढ़ा होगा स्टूडेंट, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका बुलियन एलजेब्रा। बुलियन एलजेब्रा से स्टूडेंट कम से कम एक क्वेश्चन तो अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है, बुलियन एलजेब्रा से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। बाकी आपका लॉजिक गेट्स हो गया, फिर कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल, 2 प्रकार के सर्किट्स होते हैं। आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉजिक गेट के साथ में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो देखिए कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल सर्किट में सारा आ गया, जितने भी टाइप के सर्किट्स होते हैं, लाइक आपका मैं फ्लिप फ्लॉप बोल दूं, काउंटर्स बोल दूं, रजिस्टर्स बोल दूं, ये सारे आ गए। तो ये सभी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लाइक अगर कोई आपसे पूछ दे कि भाई अगर मान लिया जाए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इतना क्रॉस इतना का कितना रैम हम लगाएंगे जो कि इतना क्रॉस इतना का रैम बन जाएगा, तो ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए। आगे स्टूडेंट मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल लॉजिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। अच्छा ये देखिए आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉपिक हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल। अगर आपने DRDO का CVT 2 दिया होगा स्टूडेंट तो वहां पे कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन ऐसा इसरो में नहीं होने वाला है। हाँ यहाँ भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस 2-3-4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स यानी जो बेसिक्स होते हैं उससे पूछे जाएंगे, लाइक कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, पेरिफेरल डिवाइसेस से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड। आ रही है बात समझ। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क थ्योरी, डेट इज CN। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसका नेम नेटवर्क थ्योरी होता है, कहीं कहीं कंप्यूटर नेटवर्क होता है, और कहीं कहीं डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क होता है। तो ये तीनों स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क CN इसे हम लोग गेट में बोलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, अलग अलग टाइप के नेटवर्किंग एंड अलग अलग टाइप के जो टोपोलॉजीज होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक जो आपका बस टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, स्टार होता है, रिंग होता है, और इन सभी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं छोटे छोटे वो आपको स्टूडेंट मालूम होने चाहिए, ठीक है। साथ में स्टूडेंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, अगर इसको मैं एक वर्ड में लिखना चाहूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर साइंस की भाषा में फ्लो कंट्रोल। अब ये फ्लो कंट्रोल प्रोग्रामिंग वाला नहीं है, ये डेटा कम्युनिकेशन वाला है। तो
तो फ्लो कंट्रोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, तो एरर डिटेक्शन के बारे में। पहले हम एरर को डिटेक्ट करते हैं। अब डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, स्लाइडिंग विंडो होता है हमारे पास, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं आपको पता होगा। फिर उसको करेक्ट करने के हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो कि एरर को डिटेक्ट करने के साथ साथ एरर को करेक्ट भी करते हैं। इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एरर करेक्शन में ही आ जा रहा है लेकिन मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। CSMA CA और CSMA CD, कैरियर सेंसिंग, क्या इसका फुल फॉर्म था देखिए मैं भूल रहा हूँ, कैरियर सेंसिंग मल्टीपल एक्सेस, ये हो गया आपका कॉलिजन डिटेक्शन और ये हो गया कॉलिजन अवॉइडेंस। एक डिटेक्ट करता है, दूसरा अवॉइड करता है। ये आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। लैन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जो अलग अलग टाइप्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, साथ में यहाँ पे मैं स्टूडेंट CN में कुछ बात को ऐड करना चाह रहा हूँ। OSI मॉडल आपको अवश्य पढ़ना है, TCP/IP मॉडल आपको पूरा तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है। OSI बिल्कुल सातों लेयर की जानकारी आपको होनी चाहिए, TCP/IP मॉडल, साथ में स्टूडेंट जो इसके लेयर्स होते हैं ना, जो फोर लेयर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पांच लेयर भी कंसीडर करते हैं लेकिन अगर हम जनरली टर्म में देखें तो फोर लेयर कंसीडर किया जाता है। तो अलग अलग लेयर्स पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर्स पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, ये सब छोटी छोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेटवर्क एड्रेसिंग, भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल IPv4 से, IPv6 से मुझे तो कहीं क्वेश्चन नहीं देखे और नहीं ही पूछा जाएगा। जनरली IPv4 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको IPv4 की तैयारी कर लेनी है, पूरे क्लास फुल एंड क्लासलेस नेटवर्क की, क्लासफुल एंड क्लासलेस नेटवर्क, ठीक है, क्लासफुल और क्लासलेस नेटवर्क, इन दोनों की तैयारी आपको कर लेनी है। साथ में स्टूडेंट आपको सब नेटिंग के बारे में पढ़ लेना है। सब नेटिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा होगा जरूर, मुझे पता है आप लोगों ने अगर कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा कैसे हम एक नेटवर्क को अलग अलग नेटवर्क यानी कि दो नेटवर्क या चार नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासफुल एंड क्लासलेस के भी बारे में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये था आपका नेटवर्क थ्योरी, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ से भी स्टूडेंट आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। कहाँ से भाई, तो आपने पढ़ा होगा कोकोमो मॉडल, याद है आपने पढ़ा होगा कोकोमो मॉडल, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, मे भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्टूडेंट इसे मेंशन कर दिया है, ठीक है। कोकोमो मॉडल कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए लाइक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर, कैसे प्लानिंग करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। एक होता है स्टूडेंट SPM, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ में स्टूडेंट यहाँ पे आपको जानकारी होनी चाहिए SDLC की, SDLC आपको पता होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, लाइफ साइकिल मॉडल। अब अलग अलग तरह के SDLC मॉडल्स होते हैं लाइक वाटरफॉल मॉडल, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है ना, स्पाइरल मॉडल, तो इन सभी की रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इन सभी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए स्टूडेंट। साथ में SDLC मॉडल में कौन कौन से फेजेज होते हैं, डिजाइन का फेज उसमें क्या होता है, कोडिंग का फेज उसमें क्या होता है, टेस्टिंग का फेज अब उसमें क्या होता है, टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स लाइक आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, ये स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो सारे टॉपिक्स बता रहा हूँ उससे क्वेश्चंस पूछा जाए, लेकिन मैं जो टॉपिक्स बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस उससे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट टेस्टिंग मेथडोलॉजी, जो अलग अलग टेस्टिंग के टेक्निक्स होते हैं, टेस्ट ऑटोमेशन, टेस्टिंग के लिए जो अलग अलग टूल्स लगते हैं, डिबगिंग का क्या प्रोसेस होता है, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है डेवऑप्स का, ये भी स्टूडेंट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी, अब देखिए जो नेटवर्क सिक्योरिटी है मे बी ये कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में इलेक्टिव पेपर में पढ़ना होता है, कहीं कहीं नहीं पढ़ना होता है, लेकिन ये भी स्टूडेंट आपको
पढ़ के जाना है, इसके बारे में समझ के जाना है, लाइक कंप्यूटर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी। क्योंकि स्टूडेंट आप इसरो जैसे प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन में काम कीजिएगा तो वहां पे आप अगर एज अ सीएस स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपका मेन काम क्या होता है। आप अगर स्टूडेंट इसरो का एडवर्टीजमेंट देखे, उसका मैंने डिस्कस कराया हुआ है, तो आपका मेन काम होगा जो वहां पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जो वहां पे सिस्टम्स है, जो वहां पे नेटवर्क वर्क कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मैनेज करना, आपका यही काम है। तो स्टूडेंट ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, इसरो आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आपको कम से कम नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में ओवरऑल जानकारी तो हो ही हो, लाइक यूजर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है ना। तो ये सभी स्टूडेंट आप इसके बारे में पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। ये क्या होता है भाई? तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पढ़ना होता है कि किस प्रकार से हम किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, उसको मैनेज किया जाता है। लाइक अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, रेड हो गया आपका यहाँ पे, डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलिजेंस स्टोरेज सिस्टम, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, इन सभी के बारे में स्टूडेंट आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है वेब प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस आपसे HTML से, XHTML, JavaScript, CSS से भी पूछ दिए जाते हैं, तो आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लाइक XHTML क्या होता है, JavaScript क्या होता है, XML क्या होता है, PHP क्या होता है, डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग वेब से, जावा वेब सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है ना। तो ये स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए वेब प्रोग्रामिंग, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। अब ये मे भी अलग सब्जेक्ट ना हो, कहीं कहीं क्या होता है ना कि डिप्लोमा में खास करके क्या होता है ना कि 2-3 सब्जेक्ट एक में वो मिला देते हैं, क्योंकि हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, तो कहीं कहीं क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर ऐसे करके पढ़ना होता है। लेकिन वहां पे आपको 8085 एंड 8086 अवश्य पढ़ाया गया होगा, और लगभग सारे यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है कि 8085 एंड 8086 माइक्रो प्रोसेसर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो यहाँ से स्टूडेंट आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो 8085 एंड 8086 स्टूडेंट आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, ठीक है। लास्ट स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा में लिख रखे हैं कि कुछ इधर उधर से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक एक या दो क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे अप्लाइड फिजिक्स से भी पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट अगर आप मान लिया जाए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट आप लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा अप्लाइड फिजिक्स, या मान लिया जाए आप लोगों ने इंजीनियरिंग फिजिक्स, कुछ ऐसे करके सब्जेक्ट होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री या अप्लाइड साइंस कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। तो अप्लाइड फिजिक्स से कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन स्टूडेंट आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा से भी पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट आपको इसका ओवरव्यू लेकर के बस जाना है कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन स्टूडेंट हमसे पूछे जाएंगे, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो प्रिपरेशन कहाँ से किया जाए? तो स्टूडेंट आप देखिए जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उन सारे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन आप अलग अलग कीजिए सेपरेट वाइज। देखिए मैंने आपको सिलेबस दे दिया है, अब आप सिलेबस को उठाइए, और अगर उस पूरे सिलेबस का टॉपिक आपको एक जगह पे नहीं मिलता है तो आप टॉपिक वाइज सर्च करके इंटरनेट पे स्टूडेंट काफी सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, वहां से स्टूडेंट आप अपना पढ़ाई कीजिए, अपना स्टडी कीजिए। बात रही MCQ सॉल्व करने के स्टूडेंट, तो MCQ के लिए मैं कुछ आपको बुक रिकमेंड कर देता हूँ, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक्स है तो आप उसको फॉलो करें। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं फॉर इसरो टेक्निकल असिस्टेंट। तो स्टूडेंट अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर इसरो टेक्निकल असिस्टेंट। स्टूडेंट जो फर्स्ट बुक है यहाँ पे, ये फर्स्ट बुक स्टूडेंट MCQs इन कंप्यूटर साइंस टिमोटी विलियम्स के द्वारा, स्टूडेंट टिमोटी जे विलियम्स के द्वारा किताब ये लिखी गई है, यानी कि उनके द्वारा तैयार की गई है। स्टूडेंट ये बुक काफी पुराना है, लगभग इसका फर्स्ट एडिशन अगर हम देखें तो लाइक मुझे लगता है 1995 या 1994 का है। तो स्टूडेंट आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं, अभी इसका 6th एडिशन आ चुका है और मार्केट में ये बुक कहीं भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टूडेंट इस बुक की अगर हम बात करें तो इस बुक में आपको जितने भी मैंने स्टूडेंट जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, जितने भी टॉपिक्स बताए, सारे सब्जेक्ट्स के MCQs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड बुक है, अगर आप अपने किसी भी सीनियर से, अगर आप किसी भी प्रोफेसर से पूछिएगा तो वो स्टूडेंट परफेक्टली, मैं बोलता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको स्टूडेंट वो बोलेंगे ये बुक फॉलो करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये काफी पॉपुलर बुक है अमंग द
कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स इंडिया में भी, इवन इंटरनेशनली भी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्टूडेंट बताया है आपको मेटजी के द्वारा जो गेट एंड पीएसयू के लिए स्टूडेंट बुक है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए आप इस बुक को अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये बुक है तो, और अगर आप मान लिया जाए बीटेक कर चुके हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं आपके पास ऑलरेडी ये बुक है तो फिर आप इस बुक को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा हो तो आप दोनों बुक ले सकते हैं, लेकिन ये बुक अगर आपके पास नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आप इस बुक को खरीदें स्टूडेंट, आप गेट वाले को छोड़ दें क्योंकि गेट का स्टैंडर्ड ऑब्वियसली थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट तो इस बुक में क्या है कि आपको लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन वहां से स्टूडेंट आप क्या करें प्रिपरेशन करें। अगर हम इस बुक की बात करें तो यहाँ भी आपको हर एक सब्जेक्ट में दो लेवल दिया गया है, एक बेसिक लेवल दूसरा एडवांस लेवल। आप स्टूडेंट जब इस बुक को सॉल्व कर लें उसके बाद आप इस बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स के जो लिंक्स हैं स्टूडेंट वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर रखा है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्स्ट्रा बुक है स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस का कोई बेहतरीन बुक है तो आप स्टूडेंट उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इस बुक से ही फॉलो करना। अगर जिनके पास नहीं है, मैंने उनके लिए बताया कि इधर उधर लोकल पब्लिकेशन से अच्छा है स्टूडेंट कि आप एक स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। ठीक है, चलिए अब कुछ स्टूडेंट एडवाइस जो कि रिटन टेस्ट के लिए मैं देना चाहूंगा। आपको पता है कि ये जो सिलेबस था ये रिटन टेस्ट का सिलेबस था, तो स्टूडेंट आपको पता है कि 80 क्वेश्चंस टोटल आपसे पूछे जाएंगे। 80 क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट ट्राई करना है कि मिनिमम 65 टू 70 क्वेश्चंस हम सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रिटन टेस्ट में तब कन्फर्म है कि आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट अगर मान लिया जाए 60 क्वेश्चन पूछे जा रहे तो आपको 50 क्वेश्चन का ट्राई करना है। लेकिन अभी जो इसरो सार का नोटिफिकेशन आया और इसरो वीएसएससी का नोटिफिकेशन आया, दोनों ने कहा है कि हम 80 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो मिनिमम आप टारगेट लेके चले कि 65 से 70 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अगर आपको 70% के अराउंड मार्क्स आ रहा है तो चांस है कि आप स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 65-70 क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं तो वो लगभग 100% चांस है कि आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई हो ही जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा स्टूडेंट ये केवल रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे होगा। अब यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा, तो ये भी स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि स्टूडेंट जिनका भी रिटन टेस्ट क्वालिफाई होगा उन सभी को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए 1:10, 1:5 उन्होंने लिखा है, लेकिन अच्छे खासे स्टूडेंट्स को बुला लिया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, स्किल टेस्ट आपने जब क्वालिफाई कर लिया तो फिर उस मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, फिर आपका रिटन टेस्ट देखा जाएगा किनका रिटन टेस्ट में नंबर ज्यादा है और उनका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो टॉपर्स होंगे रिटन टेस्ट में उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा, तो रिटन टेस्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टूडेंट आपके पास अवेलेबल हैं आप उसको सॉल्व करें, सिलेबस को फॉलो करें स्टूडेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, सिलेबस को स्टूडेंट कोशिश करें आप फॉलो करने की जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया गया है, और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या स्टडी नहीं करना है। तो मैंने स्टूडेंट आपको एक डिस्क्रिप्टिव सिलेबस बना करके दे दिया है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बुक्स की भी रिकमेंडेशन दे दी है, आप स्टूडेंट उस बुक्स से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जितने से ज्यादा आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा स्टूडेंट आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकेंगे। स्टूडेंट आपको कोशिश ये करना है कि आप रिटन टेस्ट में टॉप करें, स्किल टेस्ट के बारे में आपको भी सोचना ही नहीं है, आपको समय मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी इसरो टेक्निकल असिस्टेंट की उसका स्किल टेस्ट 2023 में हुआ है, हालांकि बीच में कोरोना भी आ गया था, इतना भी लेट नहीं होता है। लेकिन स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 2023 में नोटिफिकेशन आया है तो 23 के लास्ट तक एग्जाम होगा, 24 में स्किल टेस्ट होगा, तो आपको अच्छा खासा समय मिलेगा। आप रिटन टेस्ट में कोशिश करें क्वालिफाई करने की पहले, उसके बाद स्किल टेस्ट की कोशिश करें, क्योंकि रिटन टेस्ट स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर्ड टू स्किल टेस्ट सिलेक्शन लेने के लिए। तो ये था स्टूडेंट कुछ एडवाइस, मैंने आपको बुक्स भी रिकमेंड कर दी, बुक्स का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है।
स्टूडेंट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISRO बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपको इसरो टेक्निकल असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट 100+ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइंड हैं जो कि इसरो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप भी स्टूडेंट इस ग्रुप को ज्वाइन करें और उनके साथ अपना प्रिपरेशन करें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट हो या अगर आपको कहीं समस्या आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप ग्रुप में मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। बिल्कुल जो इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस के वो स्टूडेंट पूरा का पूरा आपको सॉल्व कराया जाएगा एक ही क्वेश्चन हमारे एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।